अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू लर्निंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक राजस्थानी मिर्ची का घोटा। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी डिलीशियस, सो लेट्स बिगिन इन टू द वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, राजस्थानी मिर्ची का घोटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले ले ली है ग्रीन चिलीज। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन चिलीज अवेलेबल हैं, जिसमें थोड़ी तीखी वाली भी होती है, थोड़ी मोटी वाली भी होती है। तो आपने तीखी वाली नहीं लेनी, थोड़ी मोटी वाली लेनी है, क्योंकि अगर आप तीखी वाली लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जाएगा, इसीलिए आप थोड़ी मोटी वाली ही लें। उसको हमने अच्छी तरह से कूट लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, रुक रुक के। जितना मोटा हम इसको कूट सकते थे हमने इसको कूट लिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है सरसों का ऑयल 1 कप। और इसके नीचे हमने लो टू मीडियम फ्लेम ऑन कर दी है। और इसके बाद हमने यहाँ पर सारे स्पाइसेस ले लिए हैं, जिसमें सौंफ, साबुत गरम मसाला, खुश्क धनिया और कलवंजी शामिल है। अब हम ऑयल के अंदर ये सारे स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने जो मिर्ची को यहाँ पर कूट के रख लिया था वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमने 10 से 15 मिनट के लिए इन मिर्चियों को सौते कर लिया है ऑयल में अच्छी तरह से। ये देखें जी, यहाँ पर 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमने मिर्चियों को अच्छी तरह से सौते कर लिया है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है सॉल्ट 1 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिए है टर्मरिक 1 टेबल स्पून और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है पानी 1/2 कप। अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है कोपरा 1/2 कप। उसके बाद हमने यहाँ पर ली है मेथी दाना 1/2 कप। इसको हमने गर्म पानी में भिगो के रख लिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आप चाहें तो इसको बॉईल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब हम लोग इसको पानी को निकाल लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है विनेगर 5 to 6 टेबल स्पून और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 10 से 15 मिनट पका लेंगे हम इसको। ये देखें जी, 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से इसको पकाने के बाद हमने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया और इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार से राजस्थानी मिर्चों का घोटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। जितना ये दिखने में मज़ेदार लग रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। आप इसको 10 से 12 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।